ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठकें, बची हुई सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर किया गया मंथन, जल्द जारी हो सकती है सूची। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 16 नामांकन पत्र भरे गए, अब तक कुल 23 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने वाहनों का सघन तलाशी अभियान जारी, अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकद राशि, शराब, सोना चांदी आदि जब्त किए गए। और बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया। अब समाचार विस्तार से। आज नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की भी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पार्टियों द्वारा प्रदेश में अब तक जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, उनके लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की 90 में से 85 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं कांग्रेस द्वारा अब तक सिर्फ 30 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस द्वारा अब तक जगदलपुर सीट के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इस सीट पर प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होना है। यहां नामांकन भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज देर शाम तक जारी किए जाने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। आज 16 नामांकन पत्र भरे गए, अब तक कुल 23 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। प्रथम चरण के चुनाव में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के मतदाता तथा दिव्यांग मतदाता जो डाक मतपत्र के माध्यम से घर से ही मतदान करना चाहते हैं, उनके लिए निर्धारित प्रारूप 12 घ के तहत आवेदन प्राप्त करने की कुल अंतिम तिथि है। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में अब तक 69 विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक प्रचार प्रसार से संबंधित अनुमतियों के कुल 648 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक 345 आवेदनों को अनुमति प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश कांग्रेस ने कल राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक चुनाव सभा में दिए गए बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसे प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाला बयान बताया है। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर शिकायत की है कि भाजपा ने चुनावी फायदे के लिए बीरनपुर मामले का जिक्र कर प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमर राज पार्टी ने आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इनमें 19 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। सूची के अनुसार बस्तर संभाग से 5, सरगुजा से 3 और सामान्य सीटों पर 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने इस चुनाव में करीब 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से अब तक 5,90,000 से अधिक वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की गई है। इनमें 2,53,000 से अधिक वॉल राइटिंग, 1,69,000 से अधिक पोस्टर और 75,000 ज्यादा बैनर सहित अन्य प्रचार सामग्री शामिल है। वहीं प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर वाहनों का सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक बड़ी मात्रा में नकद राशि, अवैध शराब, सोना चांदी, गांजा आदि जब्त किए गए हैं। इनका कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रदेश में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर में आज स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रकाश सर्वे ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की गतिविधियों की जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वोट संवाद कार्यक्रम और विकासखंड स्तर पर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं शहरी और ग्रामीण स्तर पर हल्बी, गोंडी और हिंदी में मतदाता जागरूकता गीत के जरिए मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक इलाकों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान में अधिकारियों कर्मचारियों सहित 1000 से अधिक महिला मतदाताओं ने दीपोत्सव मनाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है बस्तर विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, बस्तर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के बस्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85 में मतदाताओं की कुल संख्या 1,67,681 है। इनमें से 81,205 पुरुष और 86,474 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के 2 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 7,398 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,033 बुजुर्ग मतदाता हैं। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 212 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं 1 मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और 1 मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में बस्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लखेश्वर बघेल विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर सुभाव कश्यप को 33,471 मतों से हराकर विजयी हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए बस्तर जिले से मैं संतोष वर्मा। अब सुनिए बीजापुर विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, बीजापुर जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से जारी है। जिले के बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,68,991 है। इनमें से 81,426 पुरुष और 87,557 महिलाएं मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 8 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु के ऐसे 11,891 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 907 बुजुर्ग मतदाता हैं। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 245 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 5 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं 4 मतदान केंद्रों में दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा और 1 मतदान केंद्रों में युवाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में बीजापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विक्रम शाह मंडावी विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेश गागड़ा को 21,584 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए बीजापुर जिले से मैं के संतोष कुमार। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। इस पर 8 लाख रुपए का एक इनामी घोषित था। घटना स्थल से AK-47 राइफल, विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मद्देर थाना क्षेत्र में 15 से 20 माओवादियों की मौजूदगी होने की सूचना पर DRG बस्तर फाइटर, STF और CRPF के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान कोरंजेट और बंदेपरा के जंगलों में माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह माओवादी मद्देर एरिया कमेटी का सेक्रेटरी था। मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का तीसरा चरण धमतरी जिले में 25 अक्टूबर से शुरू होगा। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाएगा। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ SK मंडल ने बताया कि अभियान के दौरान रविवार को छोड़कर स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन में टीकाकरण सत्र आयोजित की जाएगी। इसके लिए ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने डेनमार्क में खेली जा रही विक्टर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जर्मनी की खिलाड़ी को शिकस्त देते हुए मैच जीत लिया है। आकर्षि का अगला मुकाबला थाईलैंड की खिलाड़ी से होगा। इस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी पीवी सिंधु और आकर्षि कश्यप भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इधर हरियाणा के करनाल में आयोजित 72वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में छत्तीसगढ़ पुलिस को 4 पदक प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 पदक दुर्ग पुलिस के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। इस स्पर्धा में दुर्ग पुलिस लाइन में पदस्थ महिला आरक्षक कविता ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक और छावनी थाना में पदस्थ आरक्षक विवेक कुमार पोद्दार ने आर्म रेसलिंग में कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में देश भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग सीएजी के पश्चिम जोन स्थित कार्यालयों की पश्चिम क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से रायपुर में आयोजित की जाएगी। 2 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सीएजी के पश्चिम जोन में स्थित 10 कार्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, गोवा और रायपुर शामिल हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 91 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई नारकोटिक्स सेल की टीम द्वारा की गई है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से पुलिस ने 6 लाख रुपए के इनामी एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर कांकेर जिले के ताड़वायली गांव में मोबाइल टावर जलाने की घटना में शामिल रहने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में बची हुई सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर किया गया मंथन। जल्द जारी हो सकती है सूची। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 16 नामांकन पत्र भरे गए। अब तक कुल 23 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने वाहनों का सघन तलाशी अभियान जारी। अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकद राशि, शराब, सोना चांदी आदि जब्त किए गए। और बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।